हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंटी किचन। आज एक और नई रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, आम की लौंजी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैंने मीडियम साइज के 3 आम लिए हैं। ये कच्चे आम हैं, आप किसी भी तरीके का आम ले सकते हैं। मैंने इसके छिलके उतार के इसे लंबे लंबे शेप में काटा है और पानी से धुलाई करके इसके पानी को मैंने सुखा लिया है। मैंने गैस पे पैन गरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें तेल डाल के इसे गरम कर लेती हूँ। तेल सही से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा राई डालूँगी और इसे चटकने दूँगी। साथ ही थोड़ा मैं इसमें जीरा ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा मेथी और काला जीरा भी ऐड करूँगी। मैं 1/2 चम्मच के करीब में इसमें अजवाइन ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब में सौंफ भी ऐड करूँगी। सौंफ से इसकी टेस्ट काफ़ी ही अच्छी आती है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करूँगी। अब मैं इन सबको सही से चटकने देती हूँ। आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम रख सकते हैं। अब हमने जो आम काट के रखा है उसे मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। मैंने सारे आम को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से चला लेती हूँ। अब मैं थोड़ा पानी ले लूँगी। पानी की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे, तो मैंने छोटे गिलास से 1 गिलास पानी लिया है और इस पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर ढककर पकने के लिए रख दूंगी। देखिए, इसमें सही से उबाल आ चुका है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक नाइफ लिया है। अब देखिए इसमें कितने अच्छे से कट आ चुका है। हमारा आम सही से पक चुका है। अब मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड किया है और साथ ही मैंने गुड़ लिया है। मैं इसमें गुड़ ऐड करती हूँ। आप चाहे तो चीनी से भी आम की लौंजी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट काफ़ी ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूंगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है और साथ ही 1 चम्मच के करीब में मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड करती हूँ। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें इसे ढीला ही रखना होता है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसमें मोटापन आ जाता है। देखिए, हमारी आम की लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं 1/2 कटोरी के करीब में किशमिश ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे ना ऐड करें, बट किशमिश से इसका टेस्ट काफ़ी ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आम की लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, आम की लौंजी ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। इस तरीके का एक एयर टाइट कंटेनर हम ले लेंगे और इसे भरकर काफ़ी लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। इसी तरीके से एक और नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक बाय बाय।